हर हर महादेव। हर हर महादेव। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ सहित श्री केदारनाथम प्रभो केदारंचल सस्ततो हि सत्तम कोर्या सदा मंगलम। गुरुदेव आपका नाम? महाराज अमित अवस्थी जी केदारनाथ। आपने अभी बताया कि मेरा जो है अक्सर टूर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में रहता है, भारत में रहता है, बम्बई राजस्थान जयपुर गुजरात। मैं सिंधी महाराज हूँ यहाँ पे जी। अच्छा सिंधी महाराज हैं जी। सिंधी जैसे हमारे पश्चिमी क्षेत्र में जो सिंधी पाकिस्तान से जो आए जी बिल्कुल उन्हीं के महाराज हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा और अभी 9 पीढ़ियां हमारी यहाँ पे हो गई है जी। और बचपन से वैसे मैं 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, जब छोटा था जी, और तब से अब तक यही पे केदारनाथ में जी आता रहता हूँ जी। अभी तो 2023 का ये अब की बार जो यात्रा है वो कैसी रहे लोगों की रह रही है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है जी, और धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। अभी हमारे साइड में जो सिंधी है वो आपसे किस प्रकार से कनेक्ट हो? मोबाइल से, अपने मोबाइल नंबर से कनेक्ट होते हैं। अभी बलोत्रा से आए थे जी, जोधपुर से भी आए थे जी, और अभी एक दो और आने वाले हैं। मेरे पूछने का तात्पर्य ऐसा है महाराज जी कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां उनके बहुत बैकवर्ड में है और उनको पता नहीं है कि हमारे जो जजमान उनका मिलना और केदारनाथ आए किस प्रकार से कनेक्ट हो, तो आपके जैसे मैं नंबर देता हूं तो आप सीधे उनसे वो आपसे सीधा संपर्क करें। संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9557584707 जी, ये मेरा नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गुरुदेव केदार घाटी आने में और केदार घाटी के दर्शन करने में कितने मतलब भाग्य का होना जरूरी है या आस्था का होना जरूरी है और कितना महत्व है जिंदगी में? देखो ये बाबा भोले शंकर का प्राचीन मंदिर है और यानी बाबा केदारनाथ का नाम निकालने से भी 7-8 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है यहाँ पे। ये मोक्ष धाम है, पांडवों को यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और यहीं से वो स्वर्ग गए थे जी। यहाँ की प्रकृति नेचर और यहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है? ये तो वही शिव स्वरूप है यहाँ पे, और प्रकृति भी उन्हीं के हिसाब से है। बाबा का धाम है जहाँ शिव का निवास है, और बर्फ उनको बहुत प्रिय है। बिल्कुल महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा। कई भक्त हमारे पश्चिमी क्षेत्र में हैं, उनको एक छोटा सा डर है कि भाई, क्योंकि वो किसानी खेती बाड़ी वाले हैं, इतने बजट में आना चाहते हैं तो बोलते हैं कि बहुत महंगाई है ऐसा वैसे, तो ये हकीकत है या झूठ है? महंगाई थोड़ा बहुत तो है, कह नहीं सकता हूं। जैसे अगर एक थाली, एक बंदा एक थाली एक करे तो एक थाली क्या रेट है यहाँ पे? 200-250 के लगभग है, दाल चावल रोटी सब्जी उसमें जी, ज्यादा महंगा अचार पापड़। ज्यादा महंगा भी नहीं है क्योंकि एक ढुलाई है, हम 4000 रुपये यहाँ पे घोड़े का किराया देते हैं, जो सामान हमारा ढुलता है। कभी कभी तो वो मिलता भी नहीं है, अभी यहाँ पे हमारा सामान ही नहीं आ रहा है। और सबसे पहले तो यहाँ पे राशन, ये चीजें जरूरी हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ढुलाई है, इसलिए यहाँ पे 80 रुपये बोतल है पानी की जी, जो खच्चर का लेगेज है ये है। अगर वो थोड़ा कम हो जाए तो यहाँ पे भी स्वाभाविक है रेट कम हो जाएंगे जी। और कुछ ट्रांसपोर्ट का वो है कि कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। मंदिर दर्शन करने के लिए अब की बार वीआईपी एंट्री अब की बार चालू की गई है या पिछले साल? ये पिछले साल से ऐसा ही चल रहा है। देखो 6-7 बजे के बाद एंट्री बंद है वहाँ पे अंदर, दूर से प्रणाम है गर्भगृह में, बाकी रात को विशेष पूजाएं हैं और वीआईपी दर्शन तो है ही। हेली वालों के लिए भी 2100 के स्लिप कट रही है, लेकिन वो भी दूर से दर्शन, बाकी दिन में अंदर काम। वीआईपी एंट्री कितने रुपए हैं? 2100 रुपए हेली वालों के लिए। हेली वालों के जी जी, और आम जनता जो पैदल आ रहे हैं उनके लिए जनरल दर्शन। जनरल दर्शन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहली बार आए हैं आप? नहीं नहीं आते रहते हैं।
देखो भाई किस तरह से जो है बर्फ हटा रहे हैं। देखा, इतनी मेहनत करके ये टेंट लगाएंगे और सुबह फिर से वही बारिश, बर्फबारी। ये सारे सारे टेंट है अपन लोगों के लिए, बेचारे ये मेहनत कर रहे हैं और भाई धना धन लगे हुए हैं। देखो बर्फ कैसे हटा रहे हैं। ये केदारनाथ घाटी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, भाई का वीडियो शेयर करें, शिवम भी करें इसके साथ। और लगा बाबा जी इतनी अद्भुत शक्ति, बोले बाबा की उन्हीं की शक्ति है। वाह जी वाह, उन्हीं की शक्ति, उनके बिल्कुल। ये देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत शक्ति मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाबा जी के सारो साइड देखो, और तन पे कोई कपड़ा नहीं है, एक छाता है जिसपे ऊपर इतनी बर्फ है, और इस साइड में भी ये इतनी बर्फ है। देखिए फिर भी देखो, मैंने कहा बाबा जी आप इतना मतलब आप बर्फ में भीग रहे हो, पानी से भीग गए, तो आपके यहाँ जिला प्रशासन आपका थोड़ा ध्यान नहीं दे रही। तो बोले भाई हमारा तो भोलेनाथ, भोलेनाथ है जहाँ पे बाबा लोग रहते थे, वहाँ पे भोजन भंडारा चलता है। हाँ। दुनिया भर के लोग सामान रखा हुआ, कहाँ बाबा लोग रहेंगे। सामान रखने का व्यवस्था नहीं है, फिर बाबा लोग के रहने का व्यवस्था कहाँ से। अच्छा यहाँ पे केदार घाटी में कितने बाबा हैं लमसम? अरे महाराज यहाँ पे तो रोज हजारों बाबा आते जाते रहते हैं। हाँ। चारों धाम की यात्रा चल रही है, कोई बाबा एक स्थान पर रुकते नहीं। अच्छा आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? अभी जिस दिन कपाट खुला है उस दिन आए थे, उस दिन हम आए। कब तक रुके गए आप? अब देखिए हम, ये तो इनकी इच्छा है कब तक रुकते, हम अपने निर्भर करके नहीं आए। आपको इन सभी जो ये घूम रहे हैं ना, जो घूमने वाले आए हैं, सारी शक्ति इनके ऊपर, हमारे अंदर क्या है? बिल्कुल नहीं बाबा जी। हाँ। जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपके पास कोई आए कि बाबा जी ये लीजिए 50 रुपए मेरी तरफ से दक्षिणा, आपका थोड़ा कम्बल दें आपको, तो ये अच्छा रहता है क्योंकि आप सनातन के रक्षक हो। मैं बताऊं कि इंसान अपने सोचने से नहीं कर सकता, जब इनकी महिमा होती है ना तभी किसी की भावना घूमती है। सही 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 सही, वैसे भावना नहीं घूमती है, हजारों लेके घूमेंगे। हाँ। लेकिन जब तक इनकी ऊपर भावना इनकी नहीं जाएगी उनके ऊपर, तब तक नहीं होगा कोई काम। फिर भी देखो ये शक्ति बाबा की है, पूरी की पूरी है। पूरी शक्ति इनकी है। देखिए कैसे कैसे लूले लंगड़े अपाहिज विकलांग चले आ रहे हैं, और जो अच्छे खासे हिस्पुरुष ने घोड़े गधे पे बैठ के आ रहे हैं। बताओ जानवर। हाँ, हम ऋषिकेश से पैदल यात्रा किए, 17 दिन लगाए यहाँ पे। अच्छा आते। मैं भी ना। हाँ, बाबा जी रुद्रप्रयाग से पैदल आया हूँ। रुद्रप्रयाग से अभी इधर देखिए बद्रीनाथ जाना होगा, और कहाँ कहाँ भेजते हैं हम तो कुछ पहली, नहीं पहली यात्रा है आपकी? नहीं पहली यात्रा नहीं है। अच्छा, तीसरी यात्रा है, तीसरी यात्रा है। वाह 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 वाह, तो देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से बाबा जी जो है, ये है अद्भुत शक्ति दोस्तों। ये देखिए बहुत ही भयंकर जो है बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद यहाँ बाबा जी के डायरेक्ट कनेक्शन भगवान शिव से है, ये मैं कह सकता हूँ। बाबा जी कहे ना कहे, लेकिन ये अद्भुत जो है ये यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, देख ले। तो बहुत ही अच्छा लगा, और उनसे भी मैं पूछूंगा। बाबा जी बैठे हैं और यहाँ पर बाबा जी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए। नहीं नहीं मेरा कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ लगा दे रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए बाबा जी से एंट्री ले रहा हूँ, ताकि यहाँ के जितने भी अपन के जो लोग आते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं दोस्तों, हजारों पैसा लगा के यहाँ आते हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं हरिद्वार, फाटा, कराची, सब जगह से आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात यही आती है कि यहाँ जिला प्रशासन है, यहाँ के भक्त लोग हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारे सनातन के जो धर्म के लोग हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, जो बेहद ही। ऋषिकेश से पैदल आए बाबा जी आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से आए आप? हैं 17 दिन लगे होंगे? नहीं मेरे को 20 दिन लग गया। 20 दिन लगे आपकी चार धाम की यात्रा चल रही होगी। हाँ पहले यहीं आए हैं, अभी तो ये खुला है, अभी तो सब बाकी है। हाँ हाँ हाँ,
अभी तो शुरुआत है ये। अच्छा, तो भक्तों का रुझान कैसा है यहाँ बाबाओं के ऊपर? भक्तों का रुझान सब अपनी जगह ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, श्रद्धा के ऊपर है। हाँ, आप कुछ नहीं कहोगे हैं? हम उनके बारे में क्यों कहें? हाँ, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है ना वो। नहीं, वैसे है ना, मेरे को ये टेंशन हो रही है कि देखो बाबा जी जो है सनातन धर्म के बहुत ही सभी बाबा भगवान एक बहुत बड़ा भगवान है, ठीक है, आज राज कर रहे हैं पूरे भारत देश पर। योगी जी पे आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी का अच्छे करें। हाँ, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं योगी जी, अच्छा करें और अच्छा करते ही रहेंगे, उनको प्रधानमंत्री बनाओ और क्या। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात की बाबा जी, ये आपने अच्छी बात कही है। अभी भी वो बाबा जी बोल रहे थे कि योगी जी को पाने के लिए बाहर के देश भी बोलते हैं कि भाई मुझे भी 4 घंटे दे दो। हाँ, ये बात है, तो अद्भुत शक्ति है केदार बाबा के इधर है। तो बाबा जी देखो साइड में भीग रहे हैं पूरा, फिर कुछ भी नहीं होता है, इसको कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही रहता है। हाँ, तो कंबल कुंबल किसी ने नहीं दिया अभी तक है ना? कंबल कुंबल देगा नहीं देगा, महाकाल देगा, नहीं तो चलता रहेगा, इसी में चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अघोरी बाबा हैं। हाँ जी, हमें किस चिंता इसकी नहीं, उसे चिंता हमारी है। हाँ, सही है। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है कि चिंता जो है हमें नहीं है, उसको हमारी चिंता है, तो जो भी होगा वो करेगा। देखिए भयंकर बर्फबारी में यहाँ पर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो बहुत गजब तरीके से शेयर करने चाहिए आगे और लाइक भी करना चाहिए अगर सनातनी हो आप। यहाँ पर ये देखिए बाबा का अद्भुत जो है द्वार से सजा है, मंदिर सजा है, और यहाँ पर जो है सभी बाबा जो है अपने अपने स्थान पर टिके हुए हैं। देखिए तो सभी लोग जो हैं भाई इस होटलों में भाग चुके हैं, कई गद्दों में छुप चुके हैं, कई रेनकोट पहन चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देखिए हमारे जो समाज, हमारे धर्म का प्रचार करने वाले ये सभी सनातनी भगवानधारी लोग यहाँ पर किस प्रकार से जो है बाबा के मंदिर के आगे ये अद्भुत नज़ारा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कपाट खुल चुके हैं देखिए, और ये वीडियो जो है मैं फेसबुक पेज पर अपलोड कर रहा हूँ भयंकर बर्फबारी के अंदर। हाथ ठहर चुके हैं, देखो हालात, देखो हाथ में, ये देखो बर्फ देखा आपने अभी भाई साहब। देखो थोड़ा मैं कैमरा साफ कर लेता हूँ, तो एक बार और आप दर्शन कर लीजिए बाबा का। ये देखिए जय केदार, ये लंबी लाइन लग चुकी है, देखिए देखा ये।